मैच से पहले बांग्लादेश ने अचानक बदला अपना कप्तान और टीम इंडिया ने दिया सूर्या को आराम। जाने क्या रहेगी प्लेइंग 11 टीम, बताएंगे पूरी वीडियो की जानकारी। से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 4 दिसंबर यानी कल से होने जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश की टीम को एक बड़ा झटका लगा है जब टीम के कप्तान तमीम इकबाल घायल होकर पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि इससे पहले तस्कीन अहमद भी बाहर हो गए थे, लेकिन कप्तान का बाहर होना बांग्लादेश के लिए मुश्किल है। इस बीच टीम इंडिया बांग्लादेश पहुंच चुकी है और जल्द ही प्रैक्टिस भी करती हुई नजर आएगी। बांग्लादेश की ओर से अब से कुछ देर पहले ऐलान किया गया है कि तमीम इकबाल के बाहर होने के बाद अब लिटिल दास को बांग्लादेश टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वे तीनों मैचों की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वनडे सीरीज के बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है। इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान तो पहले से ही कर दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश ने अभी टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम नहीं बताई है। माना जा रहा है कि तमीम इकबाल टेस्ट सीरीज भी शायद नहीं खेल पाएंगे। हालांकि इसको लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से अपडेट का आना अभी बाकी है। अपने 2 मैच विनर प्लेयर बाहर होने के बाद बांग्लादेश की टीम कमजोर नजर आ रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश अपनी जमीन पर खेल रहा है, इसलिए टीम को कम आंकने की जरूरत नहीं है। देखना होगा कि लिटिल दास की कप्तानी में टीम कैसा प्रदर्शन करती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होने वाली है। कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शिखर धवन, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, अक्षर पटेल, शहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, दीपक चहर, कुलदीप सेन। इन खिलाड़ियों के साथ वनडे सीरीज के लिए मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। अगर यह वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।